लेकिन आज आपको एक और चैप्टर दिखाना चाहता हूं कि भारत की लॉटरी कैसे लग गई है। वो भी ऐसी वैसी नहीं, 36 लाख करोड़ की लॉटरी लगी है इंडिया की। ऐसे वक्त में जब दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं डूब रही हैं, कैसे भारत की 36 लाख करोड़ की लॉटरी लगी और 30 साल से छुपी और दबी इस लॉटरी को कैसे पीएम मोदी ने ढूंढ निकाला, अब इसका चैप्टर। एक पुरानी कहावत है कि ऊपर वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ कर देता है, और देता भी है तो उसी को देता है जो उसके लिए भरपूर मेहनत करता दिखता है और डिजर्विंग होता है। आज की डेट में यह कहावत भारत पर सटीक बैठती है, क्योंकि भारत की 36 लाख करोड़ की लॉटरी लगी है, और यह लॉटरी लगी है व्हाइट गोल्ड मिलने से। अब कहेंगे बॉस ये व्हाइट गोल्ड क्या है, अभी तक तो सोना जो हम सुनते थे वो पीले रंग का होता था, चमकता था, यह सफेद सोना कहां से आ गया बॉस? तो जिस व्हाइट गोल्ड की बात कर रहा हूं, ये व्हाइट गोल्ड जो है यही हमारी लॉटरी जो लगी है। और इसका मतलब क्या होता है, ये व्हाइट गोल्ड कहते हैं लिथियम। अब आप कहेंगे बॉस ये लिथियम क्या बला है, वो समझाना मेरी कला है। भारत में पहली बार व्हाइट गोल्ड नाम से मशहूर लिथियम आयन का भंडार मिला है। अब आप कहेंगे इसमें क्या बड़ी बात हो गई, मिल गया तो ये लॉटरी लगने जैसा कैसा है? बॉस आज आप इसकी डिटेल सुनेंगे तो खुद समझ जाएंगे कि कैसे इंडिया की लॉटरी लगी। दरअसल अब तक लिथियम भारत को चीन और दूसरे देशों से खरीदना पड़ता था, लेकिन अब भारत को इतना लिथियम मिल गया है कि शायद किसी की जरूरत ही ना पड़े, बल्कि हम दूसरे को देंगे कि लो हमारे यहां से ले जाओ। जो लोग ये नहीं जानते कि लिथियम आयन चीज क्या है, बला क्या है, पहले उन्हें बता दूं कि लिथियम एक चांदी जैसी सफेदी वाला केमिकल मेटल है जो बहुत ही हल्का होता है, बहुत हल्का, और चूंकि चमकीला होता है, सफेद जैसा दिखता है, इसलिए व्हाइट गोल्ड कहते हैं। पिछले कुछ सालों में लिथियम का सबसे ज्यादा इस्तेमाल बैटरीज बनाने में होता है। आपकी जो मोबाइल में बैटरी लगती है वो इसी लिथियम की बनी होती है, और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में लिथियम आयन किस तरह काम कर रहा है, अगर आपको थोड़ी सी एक लिस्ट बताता हूं तो आपका इंटरेस्ट जागेगा कि बॉस ये क्या चीज है। आपके मोबाइल में लिथियम का इस्तेमाल होता है, आपके लैपटॉप में लिथियम का इस्तेमाल होता है, आप जो टैबलेट देखते हैं उसमें इस्तेमाल होता है लिथियम का, जितना ब्लूटूथ डिवाइस इस्तेमाल करते हैं सारे में ज्यादातर में लिथियम इस्तेमाल होता है। बैटरी से चलने वाले खिलौने हो गए, कैमरा हो गया, टू व्हीलर हो गया, कार हो गई जो बैटरी से चल रही है, सीसीटीवी जिसमें आप लगाए हुए हैं घर में, सब जगह लिथियम का इस्तेमाल हो रहा है। और इनके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनमें लिथियम आयन का इस्तेमाल होता है, ये तो आपसे जुड़ी हुई जो रोजमर्रा की चीजें वो बता रहा हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि इनके दाम क्या होंगे ये तय होने में भी बड़ी भूमिका लिथियम की ही होती है। अब स्मार्टफोन और लैपटॉप से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक की बैटरियों में लिथियम का इस्तेमाल हो रहा है, और यही वजह है कि दुनिया भर की कंपनियां लिथियम के पीछे पड़ी हुई हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको वो जगह दिखा देता हूं जहां से लिथियम का यह भंडार मिला है, एक बार देखिए और उसके बाद बताऊंगा कि कैसे 30 साल पहले यह लॉटरी लग गई होती, लेकिन एक नरेंद्र मोदी लगा है इस लॉटरी को भी ढूंढकर निकालने में। यह वो जगह है जिसके बारे में आपको बता रहा हूं, यह है सलाल, और यह जगह कहां है, यह है जम्मू कश्मीर के मैप में आपको दिख रहा है, जम्मू के पास एक जिला है रियासी, इसके पास चिनाब नदी के पास एक जगह है सलाल जिसको आप यहां पर देख रहे हैं, यह जम्मू कश्मीर में आता है, रियासी से 10 किलोमीटर दूर है कटरा, वैष्णो देवी जाते ना कटरा से 35 किलोमीटर दूर है, जम्मू से 77 किलोमीटर दूर है, ट्रांसपोर्टेशन में बहुत आसानी है, तो लॉटरी भी लगी है तो ऐसी जगह जहां पहुंचने में कोई बहुत दिक्कत नहीं। तो लोकेशन तो अपने मन के हिसाब से मिल गया। अब यह भंडार कितना बड़ा है, क्योंकि यह भारत के लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं है, जो मैं बार बार कह रहा हूं, यह खनिज से ज्यादा एक बहुमूल्य खजाना है। भाई आप खुद सोचिए ना, जिसका नाम ही व्हाइट गोल्ड रखा है, कुछ तो कमाल की बात होगी तभी ना गोल्ड कह रहे हैं। देश में पहली बार 59 लाख टन लिथियम का भंडार मिला, 59 लाख टन। अगर इसकी कीमत की बात करूं तो यह करीब 36,34,400 करोड़ रुपए का लिथियम का भंडार है। सोचिए पिछले 30 साल से अपने ही देश में इतना कीमती खजाना दबा हुआ था, पड़ा हुआ था, और सरकारों को पता था, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इस पर भी आऊंगा कि कैसे सरकारों को पता था लेकिन सब सोए रहे, और अब वाले जागे तो देश की किस्मत जाग गई। लेकिन पहले इसके बारे में थोड़ा बता दूं, दुनिया में अभी लिथियम आयन का बाजार
करीब करीब 57-58 हज़ार करोड़ रुपए का, यानी भारत पूरी दुनिया के लिए लिथियम किंग बन गया। भाई हमारे पास 36 लाख करोड़ का है, देते जाओ, सब लेते जाओ, कोई कमी नहीं है, पैसा आएगा धक धक। अकेला दुनिया के देशों को लिथियम की सप्लाई कर सकता है भारत। अभी तक भारत 100% लिथियम बाहर से ले मंगाता था, क्योंकि अपने पास था ही नहीं, मतलब था लेकिन हमें पता नहीं था। और इसमें दो तरह का लिथियम होता है, पहला लिथियम जिसे रॉ मटेरियल कह सकते हैं, और दूसरा लिथियम आयन जिसका बैटरी और इलेक्ट्रिकल डिवाइस में इस्तेमाल होता है। भारत करीब 70% लिथियम चीन से मंगाता है, और करीब 73% लिथियम आयन जो है, लिथियम आयन, वो चीन और हांगकांग से मंगाता है। लेकिन माइनिंग से फाइनल प्रोडक्ट बनने के बाद चीन से ये डील खत्म हो सकती है। चीन को फिर कहेंगे रखो अपना, नहीं चाहिए, लो तुमको चाहिए तो बताओ, दे देता हूं, लेकिन हमको नहीं चाहिए। तो चीन से निपटने में भी भारत के लिए काम आएगा। भारत के लिए दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि मोबाइल इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण में कीमतों को कम किया जा सकता है। भाई अपने यहां बन गया लिथियम, अब बनाओ अपना बैटरी, बाहर से मंगाना ही नहीं है, अपना सस्ता बनाओ, अपनी इलेक्ट्रिक कारों को सस्ता करो, पेट्रोल की कीमत का झंझट ही खत्म। लिथियम आयन बैटरी भविष्य का ईंधन है, और इसकी इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतों पर सीधा असर पड़ता है। यानी भारत के लिए मोबाइल और इलेक्ट्रिक व्हीकल में बहुत बड़ा स्कोप है, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया था कि भारत मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में कैसे तेजी से बढ़ा है, इसलिए चीन की नींद उड़ी हुई है। हालांकि भारत को फाइनल प्रोडक्ट बनाने में कई लेवल पार करने होंगे, लेकिन चीन की चिंता अभी से शुरू हो गई। इस भंडार के मिलने के बाद लिथियम के मार्केट में भारत किस तरह किंग मेकर बन सकता है वो भी आपको बताता हूं। लिथियम के सबसे बड़े भंडार की बात करूं, आज की डेट में जब तक ये भारत में नहीं मिला है, लिथियम का भंडार ये दुनिया में कहां कहां है सुनिए। भारत तो अभी तक जीरो था, लेकिन अचानक देखिए कैसे लॉटरी लगी। सबसे ज्यादा जो है वो कहा जाता है कि चिली में, और यहां पर करीब करीब 92 लाख टन लिथियम मौजूद है। इसके बाद आप देखिए कैसे नंबर लगता है अचानक से, भारत जो है वो 59 लाख टन पर आ जाता है, 59 लाख टन। इस इतना रिजर्व मिलने के बाद, अगर अभी एक दो प्रोसेस और बचा हो उसके बाद ये पूरा कंफर्म हो जाएगा कि कितना है, अभी बताया जा रहा है कि इतना है। और इसके बाद है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में कितना मिलता है, 57 लाख टन, वहां पर इतना रिजर्व है। और फिर है चीन, जिसके पास 15 लाख टन है, लेकिन वो दुनिया को दे रहा है। सोचिए हमारे पास अगर इतना कंफर्म हो गया पूरा तो 59 लाख टन होगा, मतलब चीन का 4 गुना, अभी तो इसके पास 15 लाख टन है। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि जब ऑस्ट्रेलिया अपना दोस्त है, उसके पास इतना है तो चीन से क्यों मंगा रहे हैं। भाई दूरी भी है ना, क्योंकि अभी देखिएगा लिथियम सप्लाई करने वाले देश, ऑस्ट्रेलिया 52% कर रहा है, चिली 25% कर रहा है, चीन 13% कर रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया दूर पड़ता है, तो इसलिए चीन से मंगाना पड़ता है। अब सब अपना मिल गया तो किसी से मंगाने की जरूरत ही नहीं है। लिथियम भंडार से भारत कैसे दुनिया बदल सकता है, क्योंकि आने वाले समय में तमाम देश पेट्रोल डीजल से ग्रीन एनर्जी पर स्विच हो रहे होंगे, इससे इलेक्ट्रिक कारों की मांग बढ़ने वाली है, जिसमें लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल होता है। साल 2000 से 2015 के बीच, यानी 15 साल में लिथियम की डिमांड कितनी बढ़ी आपको पता है, 30 गुना बढ़ गई 2000 से लेकर 2015 के बीच में। फिर 2015 के मुकाबले 2025 तक इसकी डिमांड 1000 गुना बढ़ जाएगी, ये कहा जा रहा है। इसमें लिथियम की कीमत का बढ़ना भी तय है। 2035 तक दुनिया की सड़कों पर चलने वाली आधी गाड़ियां इलेक्ट्रिक कारें होंगी, तो 2035 तक सोचिए क्या होगा। चीन ने 2030 तक 40% इलेक्ट्रिक कारों को बनाने का टारगेट तय किया है। इसके अलावा दुनिया भर के लिथियम बैटरी के कुल उत्पादन का 77% तो चीन में होता है, यानी इस वक्त लिथियम बैटरी पर चीन का कब्जा है। इस भंडार के मिलने की वजह से चीन की का सारा गणित गड़बड़ा सकता है, और भारत और चमक सकता है, क्योंकि मोदी सरकार का टारगेट है कि 2030 तक भारत में 30% कारें इलेक्ट्रिक हों, इसके अलावा 70% कमर्शियल वाहन और 80% टू व्हीलर्स इलेक्ट्रिक हो जाए। अब तक लिथियम आयन बैटरी के लिए भारत चीन पर निर्भर था, लेकिन अब अपने पास इतना भंडार होगा कि चीन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके अलावा भारत खुद का स्वदेशी तकनीक से तैयार होने वाला स्मार्टफोन लाने वाला है। मैंने आपको बताया था कि अपना ऑपरेटिंग सिस्टम हमने बना ही लिया है, भारोस, अपनी बैटरी बनाएंगे, अपना मोबाइल बनाएंगे, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम डालेंगे, और चीन को कहेंगे भाई दोस्त उधर ही रहो, इधर आने की जरूरत नहीं है, सटो मत हमसे। हैरानी तो आपको इस बात को जानकर होगी कि लिथियम का यह खजाना पिछले 30 साल से जम्मू कश्मीर के पहाड़ों में दबा हुआ है, और किसी भी सरकार ने इसे निकालने की कोशिश नहीं की।
आपको डबल झटका तब लगेगा जब आपको यह पता चलेगा कि सरकारों को यह पता भी था कि यहां पर यह है, फिर भी किसी ने यह प्रयास नहीं किया। इस बात की जानकारी जीएसआई यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट से होता है। साल 1995, 96 और 96-97 में जीएसआई ने खनन मंत्रालय को एक डिटेल्ड रिपोर्ट सौंपी। यह रिपोर्ट की कॉपी दिखा रहा हूं। इस रिपोर्ट का टाइटल था फाइनल रिपोर्ट ऑन रीजनल जियोकेमिकल सर्वे फॉर बेस मेटल्स एंड लिथियम इन सलाल एरिया, उसी सलाल एरिया में जहां पर यह मिला है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि जम्मू के पास सलार एरिया में बड़ी मात्रा में लिथियम भंडार के साक्ष्य मिले हैं। यह रिपोर्ट 1992 से चल रही रिसर्च के आधार पर तैयार की गई थी। तभी पता चल गया था कि इस हिस्से में हाई वैल्यूज ऑफ लिथियम मिल सकता है, लेकिन तब से अब तक यह रिपोर्ट सरकारी फाइलों में धूल खाती रही। सोचिए 97-96 में पता चल गया कि इतना सफेद सोना अपने पास पड़ा हुआ है और लोग सोए रहे। सोना तो छोड़िए, लोगों ने अपना सोना जारी रखा, नींद मार के सो गए। मोदी सरकार ने इस खजाने को ढूंढ निकाला और अब इस पर काम शुरू किया जाए। आप सोचिए इन 30 सालों में सरकारों की लापरवाही से देश का कितना नुकसान हो गया, जम्मू कश्मीर के लोगों का रोजगार कितना चला गया, देश की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता था, लिथियम खरीदने का खर्चा बच सकता था। हर साल भारत करीब 8,500 करोड़ का लिथियम खरीदता है, इससे अंदाजा लगाइए कि इस दौरान भारत का कितना पैसा बच जाता। लेकिन लोग सोए हुए थे। अब एक आदमी आया है, जगा रहा है, तो लॉटरी लग रही है।